आप अपना पूरा पूरा नाम बताइए। अशोक कुमार। पूरा नाम मतलब पिताजी का भी नाम साथ में। वृद्ध। गांव? गांव सर बिहार में पड़ता है, छपरा डिस्ट्रिक्ट। छपरा डिस्ट्रिक्ट में कौन सा गांव? पचभिंडा। क्या? पचभिंडा। पचभिंडा से जी। यहाँ पे कहाँ रहते हो? सर इधर मधु बिहार रहते हैं। मधु बिहार जी। एड्रेस बताओ पूरा। F6B थर्ड फ्लोर मधु बिहार। ठीक है। काम क्या करते हो पंडित जी? तो इस एस्ट्रोलॉजी का काम मतलब कब से कर रहे हो? वैसे तो मैंने बीच में छोड़ दिया था काम। टोटल कितने साल का एक्सपीरियंस है मेरे कहने का मतलब? चार पांच साल से। मैंने शो पे किया था दोबारा मैंने। तो बेसिकली आप डॉक्टर शिवानी दुर्गा जी को कैसे जानते हैं? सर चैनल के माध्यम से जानता हूं और YouTube पे मेरा फॉलो है तब से, जब से इनका शो देखा। डिटेल में बताइए। क्या करते थे आप एस्ट्रो चैनल में? टेलीकॉलर काम। तो एस्ट्रो चैनल में आपका मैनेजर कौन था? वहाँ पे जो थे सुभाष जी करके थे। पूरा नाम? सुभाष वशिष्ठ। टीम लीडर वगैरह कोई नहीं था सर। मैनेजर? वही मैनेज करते थे। कितने लड़के थे टोटल बैक एंड टीम में? 10-12 ऐसे थे। दिन में कितनी कॉल्स आती थी? सर उस टाइम मैम थी जब बहुत कॉल आती थी, मतलब मिस कॉल भी 100 पर ही रहती थी जब मैम आती थी। मैम ने टीवी पे देखी। हाँ। तो बेसिकली आप लोग क्या बोल के उनसे बात करते थे क्लाइंट से? सर वो कॉल आती थी तो बोलते थे संस्था से बात कर रहे हैं। किस संस्था से? मैम की मतलब एस्ट्रो चैनल की संस्था से ना। एस्ट्रो चैनल की संस्था से। ठीक है। तो ये किस से मतलब कि अगर साल में पूछें तो किस से किस साल के दरमियान आपने ये जॉब की थी एस्ट्रो चैनल के लिए? सर जब शो सर एक साल किया था मैंने। नहीं तो वो पीरियड क्या था मतलब 2011 से 2012, 2012 से 2013, इस तरह मतलब कौन से साल में आपने किया था? सर याद है? सर याद नहीं है प्रॉपर, लेकिन मैंने लगभग 2013 के 14 से किया है सर, लगभग 2014 से 15 के बीच में 7-8 में उस टाइम प्रॉपर 2014 से 2015 के बीच में। उसके बाद भी वो लोग टेलीकास्ट कर रहे थे। रिपीट टेलीकास्ट कर रहे थे 1-1.5 साल तक, जिसके लिए मेल आप हमारे पास आए भी तो थे। 120 मेल्स भी तो आए थे उनके एस्ट्रो चैनल के अगेंस्ट में कि पैसे हमसे लिए हैं आपके नाम पे, लेकिन उसके बाद में शायद वो हिंदू आहूजा कुछ करके आई। हां फिर हिंदू आहूजा आई थी इस पे। नीड टू आस्क मोर क्वेश्चंस। एस्ट्रो चैनल का ओनर कौन है? वो विकास करके सर, इतना ही पता था मुझे उस टाइम का। विकास क्या पूरा नाम क्या था? पूरा नाम पता था। विकास शौणे। विकास शौणे। वो पता है कहाँ पे रहते हैं आपको? सर गुड़गांव में सुना था। गुड़गांव में मतलब वहाँ कई लोग मिलने जाते थे वैसे। ओके। तो कितने घंटे आप लोग वहाँ पे कॉल सेंटर में काम करते थे? सर वही 5-6 घंटे, जब कॉल आती थी तो वो कॉल खत्म करने के बाद चले जाते थे सर। तो मतलब ऐसा टाइम फिक्स था कि मतलब 5-6 घंटे तक ही कॉल आती थी कि दिन भर 24 घंटे फोन आते थे? तो सर उस टाइम आती थी बीच-बीच में 24 घंटे ही आते थे। होने के बाद मतलब चलता ही रहता था, 24/7 फोन रहते थे, तो बीच में दो चार कॉल था ना लाइन पे। हां आती थी। ठीक है। तब से आप मतलब माताजी को जानते हो? हां जानता था सर, उससे पहले ही था लेकिन काम उस टाइम किया माताजी के नाम पे। एस्ट्रो चैनल के जरिए मतलब बैक एंड टीम में आप काम करते थे मां जी? आप वहां पे क्या करते थे? टेलीकॉलिंग मतलब आपका काम था फोन अटेंड करना जी, और प्रेडिक्शन बताना और अच्छा प्रेडिक्शन देना और अपॉइंटमेंट्स आप फिक्स करते थे? नो बोलते थे मतलब तो वो बता देते थे अपॉइंटमेंट मतलब जब आप करोगे तो होगी, मतलब ऐसे जनरली कोई पूछना नहीं था। नहीं अगर अच्छा आप ऐसा कोई आपके पास कोई कॉल नहीं आया कॉल ऐसा कोई। अच्छा एक चीज़ और मुझे पूछना था कि हर एक क्लाइंट से मतलब एक मतलब किसी जैसे कि समझ लो कि गृह शांति से छोटी सी छोटी पूजा करानी है किसी क्लाइंट को, तो उसके लिए मिनिमम फीस क्या थी आप लोग? सर उस वक्त तो वो साइट बनी हुई तो मेरे ख्याल 4100 रुपये से स्टार्टिंग थी। अलग आपने देखा होगा अलग अलग था वो सब अलग अलग मतलब डिपेंड करता था, कुछ नहीं था प्रॉब्लम होती थी वैसा वो बोलते थे। वो 10-12 वो कुछ बता मेल्स में है मेल्स में लिखा हुआ है तो उससे वो ऐड कर देते हां मतलब मैसेज ऑनलाइन। तो आपने ये फ्रीलांसिंग कब से शुरू किया? सर मैं तो अभी भी काम करता हूं जो
तो मतलब ये जो आपने अभी आपकी मैं वेबसाइट देखा फेसबुक के, आपने जो एस्ट्रो वैदिक एस्ट्रो करके बना रखा है, बनाने के लिए दिया हुआ था सर, अभी बना भी नहीं है वो प्रॉपर अंडर डेवलपमेंट है। जो एस्ट्रो करके था फिर आपने उसको शिवानी दुर्गा क्यों कर दिया? मैं शिवानी दुर्गा नहीं की मैं उस पे, तो वो तो आपके नंबर से कनेक्ट, इन्हीं के नंबर से कनेक्टेड है ना? एक फेसबुक अकाउंट है जो शिवानी दुर्गा जी के नाम से है, उसके ऊपर एस्ट्रो चैनल का लोगो है और वही सेम नंबर है जो आपको मैंने, जिस नंबर से आपको हम लोगों ने ट्रेस किया है। शिवानी दुर्गा जी के ही नाम से, मतलब कुछ ना कुछ तो आपकी मतलब इंटेंशन तो रही होगी कुछ ना कुछ, अगर नाम डाला है आपने। ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था मेरा, तो मैं अपनी वेबसाइट वैसे ही डाला हुआ था, बना भी नहीं हुआ। नहीं मैं उस अकाउंट की नहीं, मैं इस अकाउंट की बात कर रहा हूँ जो आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ, फेसबुक पे जो है मैं दिखा रहा हूँ, फेसबुक पे शायद पंडित जी को याद नहीं आ रहा होगा, वो उस नंबर से कनेक्टेड है ना? अखरोट लिया पंडित जी के लिए, ये वी आर थैंकफुल टू आवर डिफेंस सिस्टम इन नोएडा दैट इसके बारे में मुझे इस पे जरा डिटेल में बताइए, मतलब क्या इंटेंशंस थी जब आपने माता जी के नाम से अकाउंट बनाया और उसके ऊपर अपना नंबर डाल के आपने लिखा है कॉल मी? मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, मतलब ऐसे ही डाल दिया था ये नंबर तो वैसे ही, बट आपने बनाया ना शिवानी दुर्गा के नाम से जी। हाँ, अभी आप बोल रहे थे कि नहीं बनाया, सचिन को दिखा दो, यहाँ पे भी दिखा दो, वो इधर भी मुझे चाहिए, पंकज लेके आना फोन, कौन सा आपका भैया का, शिवानी भैया के पास जो फोन है वो दो मुझे, ला करके हिलाना मत उसको, ठीक है? तो उस दिन जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम फोन किया, ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि ये जो है अकाउंट मेरे नाम से इन्हीं ने खोल रखा है, उस दिन कैसे आपने शिवानी दुर्गा जी के मतलब नाम पे हाँ बोलने का कारण क्या था? सर मैं ऐसे ही एक आध बार वैसे ही कॉल आ गई, तो मैम से तो बात मैं डायरेक्ट बोल मैं बोल रहे थे, मैम आप जैन फेरा जाते हैं तो पूछा भी करते थे, मैं वहाँ पे मैम रहती हैं, मेरा कोई सुबह सुबह कॉल है तो मैं तो कुछ कर रहा था, तो मैंने बोला ऐसे ही बोल दिया था, ऐसे ही नहीं बोला, क्या था कि प्लान पूरा था, अब मैं बताती हूँ प्लान पूरा था, ऐसा नहीं होता तो आप वास्तु के नाम से जो आपका अकाउंट है फेसबुक पे उसको शिवानी दुर्गा नहीं करते, ये मेरे बिग बॉस जाने से पहले तक एस्ट्रो के नाम से था, मेरे वास्तु के नाम से, और फिर आने के बाद में ये शिवानी दुर्गा हो चुका था। मैं भी नजर रखती हूँ मैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी हम लोग पढ़े लिखे लोग क्या होते हैं ना, नजर रखते हैं, हमारे पीछे भी बहुत लोग पढ़े रहते हैं, जो लोग हाँ नहीं उसी नाम से, तो मैं नहीं शिवानी दुर्गा नाम से नहीं था ये, अकाउंट तो उसी नाम से है मैम, वो जो पीछे का जो बैकग्राउंड वास्तु के नाम से था, शिवानी दुर्गा के नाम से नहीं था वो, मेरे पास स्क्रीनशॉट है उसका, ठीक है कोई नहीं। तो उस दिन क्या मतलब कारण क्या था, मतलब जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम फोन किया, मैंने आपसे पूछा आप शिवानी दुर्गा जी के यहाँ से बोल रहे हैं, तो आपने बोला हाँ, इंटेंशन नहीं था, ठीक है मेरे सवाल पूरे खत्म कर लीजिए। फिर मैंने आपसे बोला कि मुझे उनसे बात करनी है, तो आपने बोला किस सिलसिले में, बोला कुछ बात करनी है काम है मुझे, तो पूछा कहाँ से बोल रहे हो, मैं बोला सचिन मुंबई से, तो आपने बोला ऐसे बात नहीं करती 4100 रुपये लगता है, ठीक है? तो बेसिकली आपको शिवानी दुर्गा जी के बिहाफ में 4100 रुपये मांगने का हक किसने दिया? मैं मैन टू मैन पूछ रहा हूँ, कोई ऑफिशियल नहीं पूछ रहा हूँ, हाँ ठीक है वही, मतलब कि पैसे लेने का या फिर मतलब उस वक्त मतलब आपसे मैं कोई ऑफिशियल नहीं पूछ रहा हूँ, मैन टू मैन आदमी टू आदमी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मतलब क्या था मतलब? ऐसा इंटेंशन बिल्कुल ही नहीं था मेरा, कि एक्चुअली क्या कॉल आते तो मैं मना कर देता था, इसलिए मैंने सुबह सुबह कॉल आया तो मैंने मना करने के लिए, इसलिए मैंने बोलते कि बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं तो कर ही नहीं सकता मैम आपके नाम से। लेकिन आपने मना नहीं किया, आपने पैसे की डिमांड की कि अपॉइंटमेंट लेके 4100 रुपए में फिर आपको जो है किया था, बट आप जब पकड़े गए तब आपने दोबारा कॉल किया, क्योंकि आप इमीडिएटली मैंने आपसे बात की फिर उसके बाद आपका, क्योंकि आप हाँ मैंने बोला अभी आप पकड़े गए रंगे हाथों पकड़े गए आप, क्योंकि हमने आपका कॉल रिकॉर्ड कर लिया था। मैं तो मैम आपसे बात करने के लिए मैंने दोबारा इसलिए कहा था, नहीं ठीक है, लेकिन आपने सबसे बड़ी गलती पंडित जी ये की कि आपने एक आइडेंटिटी जो आपकी नहीं है दूसरे की आइडेंटिटी को मिसयूज करने की कोशिश की, जो कि पूरी तरह से 420 है। मैम उसके लिए सॉरी, आप ब्राह्मण हैं, कभी नहीं
आप जितने भी अकाउंट्स मेरे नाम पे आपने ये कर रखे हैं सबको पूरा उनको डिलीट कीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं था। हाँ, तो जो भी है उनको सब हटा दीजिए और ईमानदारी से काम कीजिए। ईमानदारी से आज हम ईमानदारी से भी इंसान ऊंचा पहुंचता है, हम पहुंचे हैं ना आज, भले ही मैं तो मैं साधारण रही हूँ लाइफ में, आपने आप देख चुके हैं, जबकि मेरी पूरी बायोग्राफी आपको मालूम है, उसके बावजूद आपने ये किया, तो ये थोड़ी सी गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए था आपको। क्या हुआ अभी आपको सजा भुगतनी पड़ी, डिफेंस ने तो आपको एकदम योगी आदित्यनाथ जी हैं अभी यहाँ पर यूपी में, ठीक है, उनकी सरकार है, साधुओं के ऊपर एक सेकंड नहीं चलेगा गलत, लाइन अब पुलिस पकड़ के आपको फटाक से। डिफेंस अपना काम करता है, हम लोग बोलते हैं कि पुलिस वाले काम नहीं करते, बट मैं जो है आई जस्ट हैट्स ऑफ टू नोएडा पुलिस कि इन्होंने जो है जब मैंने ये कंप्लेन की इन्होंने इसे बहुत सीरियसली लिया और इन्होंने बहुत जल्दी से जो था एक कल्प्रिट को पकड़ा। हाँ, इन्होंने कुछ किया नहीं क्योंकि हमने सारे बैंक डिटेल्स वगैरह सब निकाल करके देखी तो कुछ भी सामने नहीं आया कि जो मेरे नाम पे पैसा लिया गया हो, लेकिन वो अब इनका बैड लक था, इन्होंने वो आइडेंटिटी बनाई और मेरी आईडी को, मेरी आइडेंटिटी को इन्होंने मिसयूज करने की कोशिश की। आप लोगों को भी अगर ऐसा कोई डाउट होता है, क्योंकि मैंने हमेशा मैं बोलती रहती हूँ कि मेरे सिर्फ दो अकाउंट हैं फेसबुक पर, सिर्फ दो अकाउंट हैं और उन दोनों के बारे में पुराने जितने भी फॉलोवर्स हैं उनको सबको पता है और मैं रेगुलर आपसे कनेक्टेड रहती हूँ, लाइव वीडियोस के थ्रू बताती रहती हूँ आपको। आप लोग भी ऐसा कोई फ्रॉड होते देखें तो प्लीज आप मुझे इन्फॉर्म करें ताकि इसको उसी समय रोका जा सके, क्योंकि कल को ऐसा होगा कि मैंने कुछ किया भी नहीं होगा और मैं कल्परेट बन जाऊंगी, तो इसके लिए आपकी भी हमें जो है सपोर्ट की आवश्यकता है। अगर आप भी ऐसा कोई अकाउंट देखते हैं कि आपको लगता है कि फेक अकाउंट हो सकता है शिवानी दुर्गा का, तो प्लीज मुझे आप डायरेक्टली कांटेक्ट करें, मैसेज बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं, आप मुझे फोन कर सकते हैं, मेरे फोन नंबर्स भी मैंने तो आप सबको दे रखे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाया गया था, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी मैं इनको जो है मतलब इनको तकलीफ हो रही है आज, मुझे पता है कि जब आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो अंदर से आपको कितनी तकलीफ होती है, तो लेकिन ये तकलीफ उन्होंने अपने खुद को इनवाइट किया उस तकलीफ को इन्होंने। थैंक यू सो मच, हर हर महादेव। पंडित जी तो छोड़िए, जाने दीजिए हर एक बात को, आपने जो भी किया अपनी गलती मानते हैं, आपकी गलती थी सब में, मैं गलती मानता हूं, तो जो भी गलती किए थे आप अपने शब्दों में, आपको जो भी समझ में आता है आपके हिसाब से उसको रिपीट करते हुए एक बार माफी मांगिए सबके सामने, मेरे कैमरे में एक रिकॉर्ड के लिए, ना तो आपके ऊपर कोई केस किया जा रहा है ना तो आपको, यहाँ तक बहुत अच्छे से मुझे लगता है सर जैसे कोई ऑफिसर नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि और कोई महाराष्ट्र पुलिस होती तो आपके साथ बहुत बुरा सलूट हो गया होता, बहुत बुरा सलूट होता है वहां पे तो अब वहां आप किसी की आइडेंटिटी इस तरह से उसने रूल्स अलग-अलग है ना हर जगह के, महाराष्ट्र की पुलिस अगर आपको उठाई होती तो ये तो आपको बहुत खुशनसीब होगी, आपको मतलब ऐसे पुलिस वाले मिले जो आपको मतलब इतना सम्मान दिलाया है आपको, वही तो अपने शब्दों में आपको जो भी लगता है एक कंसेशन चाहिए मुझे, और उसके साथ ये भी चाहिए कि मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगा और सनातन धर्म के लिए सही रास्ते पे चलूंगा, अपने धर्म के लिए हमेशा धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। चलिए जो भी दिल में खुल के बोलिए, घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग हैं आपके, खा लो पहले खा लो, कोई नहीं खा लो, आप खा लो।